और एक्साइटेड. अब ये फीलिंग है कि जो होगा देखा जाएगा. सो आई डोंट नो अभी कैसे प्रॉपर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, पर मुझे जो कॉल्स आ रहे लोग के वो तो पॉजिटिव हैं. मैंने खुद मूवी देखी, मुझे अच्छी लगी. सो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी. एक्चुअली इट्स मोर ऑफ कॉमेडी विद अ पिंच ऑफ रोमांस. सो या दैट्स जैसे कि आपने टाइटल बताया मूवी इट्स लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी. हाउ इज रोमांटिक कॉमेडी विद लाइट? बिकॉज इट्स गॉट अ सिंपल नैरेटिव टू इट. इसमें जो आकाश का जो मेरा कैरेक्टर है उसकी जिंदगी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चल रही है इस दौरान, बट फॉर द ऑडियंस ऑन अ स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बहुत ही एक सिंपल प्यार सी स्क्रिप्ट मिलेगी. दैट इज वाई इट्स लाइट हार्टेड. फॉर आकाश इट इज वेरी हैवी हार्टेड. जैसे कि एक रिलेशनशिप के बारे में है मूवी जिसमें कॉमेडी भी है. बहुत अच्छा था. लाइक सारे कैरेक्टर्स, हम सारे एक्टर्स पुणे में थे, पूरा क्रू पुणे में था, हमने शूट किया था एक महीने का. बहुत ब्यूटीफुल. लाइक जब आप इतने टाइम एक साथ रहते हो, सारे सीन्स एक साथ कर रहे हो, स्क्रिप्ट से रिलेटेड बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है जो सबके साथ बहुत अच्छा था. मेमरीज हैं जो हमेशा रहेंगी. ये फिल्म मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं उस पोजीशन में हूँ या था जहाँ पे बड़े डायरेक्टर्स या ऐसे लोग मुझे अप्रोच करें. आई थिंक वो जगह धीरे धीरे बनानी पड़ेगी. बट फंसते फंसाते कैसे मिली ये मैं बता देता हूँ. पहला तो आई एम प्रीटी श्योर मेरा जीसस में फेथ है उनका, उन्होंने सब किया है एंड आई रियली स्ट्रांगली बिलीव इन. जब आपको खैर तो उनकी वजह से हुआ है. एंड जो एक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन कॉल्ड गीतांजलि सिंह, वो टीम को जानती थी, वो डायरेक्टर सर को जानती थी एंड विकी सिताना जी कास्ट कर रहे थे मूवी के लिए. तो डायरेक्टर सर जो हमारे अमित अग्रवाल जी हैं वो खुद भी कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे अपनी तरफ से भी. तो इधर उधर अपने दोस्तों से पूछ रहे थे कि कोई कैरेक्टर उन्हें मिल जाए. दे वॉन्टेड मोर ऑप्शन बेसिकली, और ऑप्शन चाहिए थे. विकी सर तो अपना काम अच्छे से कर ही रहे थे. तो गीतांजलि से भी उन्होंने बोला कोई पता हो इस कैरेक्टर के लिए तो बता देना हमें, लाइक रिकमेंड कर देना, जो वो हर तरफ से पूछ ही रहे थे. और गीतांजलि ने बोला कि हाँ है अर्पित, देख लो. तो मैंने पहले अपनी प्रोफाइल भेजी, उसमें केबॉप का मैंने कमर्शियल किया हुआ था. वो सर को समझ में आया कि उनको थोड़ा सा उसमें जो कमर्शियल मेरा कैरेक्टर है वो थोड़ा आकाश की झलके दिखी उन्हें उसमें. तो उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए, फिर मुझसे मिले. थोड़ा बहुत उन्हें समझ में आऊँगा शायद. फिर उन्होंने मुझे विकी सिताना जी के पास भेजा अगले दिन. और विकी सिताना की टीम ने मेरी दो सीन्स के ऑडिशंस लिए मुझसे. और बस उसके बाद 6 फरवरी 2017 को मुझे बताया गया दैट आई एम ऑन बोर्ड. इस फिल्म में देखिए तो आपकी मतलब आपकी फीमेल कैरेक्टर के साथ बहुत ही रोमांटिक सा मोमेंट दिखाई दे रहा है. तो वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए वो सीन मतलब ऑन स्क्रीन लेके आने के लिए कितना मुश्किल रहा आपके लिए? मुश्किल नहीं था, बिकॉज सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छे लोग थे जो शूट कर रहे थे सब लोग. और बहुत कोऑपरेट किया करिश्मा ने जिन्होंने अनिशा का कैरेक्टर प्ले किया. बट दैट इज़ वाई इट ऑल केम आउट वेल. एंड सिर्फ उन्हीं के कैरेक्टर्स के साथ नहीं, जो बाकी के भी जो किरदार हैं सब इतने कलरफुल हैं और सब इतने अलग अलग हैं एक दूसरे से. बहुत अच्छी राइड थी, वॉज अ वेरी गुड राइड. ऐसे मजेदार हम लोग एक बार मैं नचिकेत और उसके एक फ्रेंड हम लोग मूवी देखने गए थे साथ में पुणे में, जब हमें चांस मिला शूटिंग के बीच. उस टाइम हमने बहुत मस्ती की, थोड़ा बहुत पुणे भी देखा था उस शाम. दैट इज़ सम, दैट इज़ अ गुड मेमोरी. बाकी तो इतना मेरा कैरेक्टर एक्चुअली इतना उलझा हुआ था कि मैं मस्ती इतना सोच नहीं पा रहा था या प्रैंक्स के बारे में. मेरा कैरेक्टर दोनों तरफ उलझा हुआ था, निशा जिससे वो प्यार करता आकाश और अपनी फैमिली की तरफ से भी, दोनों तरफ से इस तरह से बंधा हुआ था वो और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे. तो मैं भी उसी कश्मकश में लगा हुआ था आकाश के. सो हाँ, इसलिए प्रैंक्स इतने हुए नहीं. बढ़िया.
अच्छा था, बहुत अच्छा था. करिश्मा आई थिंक हैज डन अ वेरी गुड जॉब एंड वो स्क्रीन पे भी बहुत अच्छी लगी उसका. ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. आप लोग जब मूवी देखें अपना खुद का ओपिनियन बनाएं. तो शी डिड अ वेरी गुड जॉब. सो फंसते फंसाते से पहले मैंने दो और फिल्म्स की हैं. एक है यशोधरा जो कि श्रीलंका में रिलीज हुई है. 106 दिन चली है वो श्रीलंका में और बहुत बड़ी हिट गई है वहाँ पे. पिछले साल रिलीज हुई. उसमें मैंने बायोपिक प्ले किया लॉर्ड बुद्धा का. प्रिंस सिद्धार्थ भी मैं बनाऊँ उसमें, सुमेध भी बनाऊँ. अच्छा एक्सपीरियंस था. श्रीलंकन लोग बहुत ही प्यारे हैं. और फिर मैंने एक मूवी की इवनिंग शैडो. इट्स एन आर्ट फिल्म जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर श्रीधरन राय, उन्होंने मूवी बनाई है. इसमें वेटरन एक्टर्स हैं, अनंत महादेवन जी हैं, मोनाम्बिकापर मैम हैं. और ये 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते इवनिंग शेडोज. 62 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन हुई है. अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत छोटा सा लिमिटेड रिलीज भी होता है इस मूवी का 11 जनवरी को इसी साल. सो इट्स अ वेरी बहुत ही हार्ट से इन फिल्म मेकर्स ने फिल्म बनाई. तो मुझे इनका इतना बड़ा दिल है वो देख के ये इंस्पिरेशन मिलती है. अपना भी दिल थोड़ा बड़ा करें. यू नो वो पैशन इनका देख के इट्स एन इंस्पिरेशन. बिकॉज मेरे को लगता था जब मेरे को कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में कि एक एक्टर का जॉब सबसे टफ होता होगा. बट ऐसा बिल्कुल नहीं. हर एक डिपार्टमेंट का जॉब उतना ही टफ है. बट अगर मैं कंपैरिजन में बैठूं बाल्की खान निकालूं तो एक डायरेक्टर का जॉब सबसे ज़्यादा टफ होता है. बिकॉज वो एक प्रोजेक्ट को डे वन स्क्रैच से लेकर एंड प्रोडक्ट तक. हमारा एक्टर्स का तो क्या अपने काम करके निकल गए. ऑब्वियसली उस कैरेक्टर को बनाना, उस जिंदगी में जीना, उस वो एक्सपीरियंसेस को पर्दे पे रियलिटी ट्रूथफुली लाना वो हमारा काम है. जो प्रोसेस में होता है थ्रू आउट द वर्कशॉप्स एंड ड्यूरिंग द शूटिंग शेड्यूल, उसके बाद हमारा काम खत्म. बट डायरेक्टर एक मूवी के लिए स्क्रैच से जुड़ता है. जब से वो मूवी स्क्रिप्ट पे लिखी जाती है से लेकर वो मूवी जब तक पर्दे पर आती है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आती है, पूरा प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाता, डायरेक्टर को पूरा संभालना. तो आई थिंक डायरेक्टर का जो जॉब है वो सबसे टफ होता है. और पूरी मूवी जो प्रोडक्ट बन के आती है उसका श्रेय चाहे अच्छी बनी हो बुरी बनी हो वो डायरेक्टर को जाता है मोस्टली. सो अगर मैं बागी खान निकालूँ तो सबसे ज़्यादा टफ अगर किसी का जॉब होता है वो डायरेक्टर का जॉब होता है इन जनरल किसी भी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में. आपने लाइक मॉडलिंग भी की है, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, कभी ऐसा सोचा कि मुझे मतलब अगर मुझे डायरेक्शन का चांस मिला तो मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ? डायरेक्शन का नो, मैं एक्टिंग में खुश हूँ, वही बरकरार रखना चाहता हूँ. अच्छा था. मैंने लंदन फैशन वीक ऑफ शेड्यूल शोज किए फैशन फाइनेस्ट के लिए 3 सीजन लंदन में. विच वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे साथ जो मॉडल्स थे अलग अलग एथनीसिटीज़ के थे, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थे. तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर. और हम सब हंसते खेलते थे वहाँ पे, प्रैंक्स बहुत होते थे. और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और अच्छे डिजाइनर्स के लिए चले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते. हाँ मैं फैशन में बहुत बुरा हूँ, खुद की बुराई कर रहा हूँ. फैशन मेरे से मत पूछो. बट हाँ काफ़ी सारे डिजाइनर्स हैं जो अच्छे हैं ऑलरेडी, जो आप सब जिनके नाम जानते हैं उनके तो काम देखते ही हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. और उनमें से काफ़ी को मैं खुद जानता हूँ, उनका काम बहुत अच्छा है. मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज सभी का काम में एक उनकी खुद का एक सिग्नेचर सबके कलेक्शन में, बहुत ही सुंदर. और जो ये लोग डिटेलिंग में जाते हैं, जो पैशन इनका है टेक्सचर्स में और डिजाइंस में जो ये लोग लाते हैं, कमेंडेबल. और काफ़ी जो सारे मॉडल्स भी जो अच्छा कर रहे हैं वो मेरे अच्छे दोस्त हैं. तो जितना ईजी फैशन वर्ल्ड भी लगता है उतना ईजी है नहीं, लेट मी पुट इट दैट वे. जो जबकि मैं फैशन वर्ल्ड में घुसा नहीं हूँ इस शहर में, बट फिर भी इट्स उनका क्रेडिट उनको ड्यू है. एक्टिंग आई थिंक एक ही चीज़ है मेरे पास देने को, इमोशंस. और वो जो जितने साफ है उतने खूबसूरत लगते हैं, तो वही है. सो एक्टिंग आई थिंक मैं वो वर्ड कम ही यूज़ करना चाहूँगा. मैं इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. जितना ट्रूथफुल हो सके उस कैरेक्टर के लिए, डायरेक्टर के विजन में उतना बढ़िया. क्योंकि मैं जिस क्राफ्ट में ट्रेन हूँ वो सैनफर्ड माइसनर है और मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए लगे हैं और काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रेन किया है. और
थैंकफुली उसी वजह से ऑडिशंस में मुझे जो कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं वो सब इतने अलग हैं एक दूसरे से. एक रोम कॉम है, एक बायोपिक है, एक इवनिंग शैडोज में जो मेरा कैरेक्टर है वो कार्तिक को, कार्तिक का पार्टनर है, जो कार्तिक जो मेल प्रोटैगनिस्ट है मूवी में. जस्ट अमेजिंग. मैं अभी सोच भी रहा हूँ तो मैं वो इमोशंस आई कैन फील देम, क्योंकि इट्स मेरी कोशिश रहती है कि वो एक कैरेक्टर ना रह जाए मेरे लिए, उसके जो इमोशंस है वो मेरे लिए पर्सनल हो. वो एक झटके में नहीं आता है, एक दिन में नहीं आता है, एक प्रोसेस है और बहुत खूबसूरत प्रोसेस है. मैं कोई एक पर्टिकुलर जॉनर में रहना ही नहीं चाहता, ये एक चीज है. मेरी कोशिश है कि जो भी कैरेक्टर मिले पहले, पहला तो इसको सिंपल रखूं, पहला तो वो कैरेक्टर दिखना चाहिए पहली चीज, और दूसरा आई हैव टू बी दैट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में होना चाहिए. और फिर एक उस एक स्टेज पे पहुंचूं जहां पे वो जो कैरेक्टर मिले कैरेक्टर ना रह जाए, वो इतना पर्सनल हो मिले कि वो कैरेक्टर वर्ड भी मुझे उसके लिए यूज़ ना करना पड़े. और वो एक प्रोसेस है जो हम वर्कशॉप्स में करते हैं, थोड़ी बहुत हमारी ट्रेनिंग काम आती है, डायरेक्टर्स काम आते हैं और जो एक्टिंग कोचेज हैं वो भी काम आते हैं, और अपने खुद के इनपुट्स होते हैं, राइटर्स के इनपुट्स होते हैं, एडीज़ के इनपुट्स होते हैं. बहुत मज़ेदार प्रोसेस है वो भी. बहुत सारी मूवीज ऐसी, एक मूवी तो मैं नाम ही नहीं ले सकता, चाहे अपनी हिंदी मूवीज हो, हिंदी सिनेमा की, चाहे बाहर के सिनेमाज की हो. मैं फ्रेंच मूवीज भी देखता हूँ, मैंने जापानी सिनेमा भी देखी है, कोरियन मूवीज भी देखी हैं, इंग्लिश मूवीज भी देखी हैं. तो हर मूवी मेरे, मैं एज एन ऑडियंस, मैं पहले अपने आप को ऑडियंस मानता हूँ, बाद में एक एक्टर मानता हूँ. मेरे को वो इमोशन फिल्म में वो टच कर देना चाहिए, क्योंकि फिल्म जो है एक इमोशन है, और वो इमोशन के साथ मैं, जो भी इमोशन है उस फिल्म का, मैं उस इमोशन के साथ थिएटर के साथ, मैं चाहता हूँ कि मैं उस इमोशन के साथ हार जाऊँ. और काफ़ी फिल्में आजकल वो चीज़ पूरा भी कर रही है, बिकॉज आई थिंक फिल्म मेकर्स ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑडियंस अब बहुत मेच्योर हो चुकी है, और ऑडियंस को ट्रेलर से ही आई थिंक पता पड़ जाता है कि उनको वो, और प्रोमो मटेरियल से कि उनको वो मूवी देखने जाना है कि नहीं देखने जाना है. सो हाँ यही है, लाइक वो एक फीलिंग है मूवी की जिसके साथ मैं बाहर जाना चाहता हूँ. नहीं नहीं, मैं सारी अरे प्रॉपर हिंदी सिनेमा गाय हैं, और इंग्लिश मूवीज भी मैं कोई नहीं छोड़ता, मैं सारी मूवीज देखता हूँ. मैं सिनेमा लवर. कभी कभी आपने ऐसे रियल लाइफ में भी कभी कोई ऐसा ड्रामा आपने अपने घर के माहौल में कभी ऐसे कुछ क्रिएट किया? क्योंकि जैसे आप बॉलीवुड मूवी हम देखते हैं तो उसमें काफी ड्रामेटिक मूवी भी आती है, जैसे वो कैरेक्टर भी होता है, तो कभी ऐसे आपके नॉर्मल दोस्तों या नहीं? वो कभी नहीं किया. हाँ वो काफ़ी लोग की कहानियाँ सुनी जो वो करते हैं, मैंने कभी नहीं किया. मैंने पता नहीं उस वो फीलिंग जब मैं मूवी भी देखता हूँ, फीलिंग मेरे लिए इतनी पर्सनल है, वो हमेशा मैं अपने अंदर ही रखता हूँ ऐसे संभाल के सेफली, और मैं उसको कल्टिवेट करता रहता हूँ. तो हाँ मेरा जो प्रोसेस रहा है बहुत अलग रहा है, ये जानबूझ के नहीं किया, बस ऐसा ही है. मैंने हमेशा उस फीलिंग को अपना बहुत पर्सनल रखा है. मैंने हाँ बाहर नहीं आने दिया, मतलब इन टर्म्स कि मैंने मूवी देखी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही एंटरटेनिंग चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, बस मैंने की नहीं. आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ शाइनेस या जो भी हो. बचपन से फैमिली से कैसा रिस्पांस मिला जब? मम्मी पापा खूब हंसे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो ऑडियंस भी बैठी थी सिनेमा हॉल्स में वो जेन्युइनली बहुत हंस रही थी, और सब जब बाहर आए तो एक स्माइल के साथ आए. तो मैंने किसी से पूछा नहीं जाके कि आपको कैसे लगी, मुझे बस सबके चेहरों पे देखना था कि, और वो चीज़ मुझे दिख गई, और उसी के लिए हमने काम किया था. कोशिश यही थी कि जब सब बाहर निकले एक स्माइल के साथ निकले, बस लाइफ में वैसे ही सबके बहुत टेंशन रहती, किसी काम की, किसी कुछ पर्सनल लाइफ की होगी. तो आई थिंक सिनेमा एक माध्यम है जहाँ से लोग अपनी सारी टेंशन भूल के वो दो घंटे हंस के बाहर निकले सिनेमा हॉल से. सो वो हमारी कोशिश रही है, एंड आई थिंक वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है. तो आप लोगों ने जिन्होंने फस्ते फसाते नहीं देखी है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा सबसे, जाएं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में फस्ते फसाते को देखें. इसका एक अलग फ्लेवर है, मुझे पता है काफ़ी बड़े स्टार्स की भी मूवीज़ हैं, बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, माई बेस्ट विशेज़ आर टू देम, और वो बहुत अच्छा कर भी रही हैं. बट फस्ते फसाते का एक अलग फ्लेवर है. आप उस अगर आपको एक अलग फ्लेवर भी एक्सपीरियंस कर जाएँ उस मूवी को देखें, मुझे पता है
किसी कारणवश ड्यू टू एनी रीजन अगर आप मूवी सिनेमा हॉल्स में नहीं देख पा रहे तो बाद में एक अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ये मूवी आएगी फंसते फंसाते, तब देखें या सैटेलाइट पे देखें, बट अपने टीवी पे देखें, बट आई वुड सजेस्ट कि सिनेमा हॉल्स में देखें, उसका मजा ही कुछ और, मेरे को अच्छा लगेगा। इफ दैट मैटर्स। सो आगे मेरे दो और रिलीजेस लाइंड अप हैं, बट वो अभी अनाउंस नहीं हुए बिकॉज अभी एक मूवी पोस्ट में चल रहा है, एक की शूटिंग अक्टूबर में होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट मैं अभी उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता बिकॉज अभी वो अनाउंस नहीं किए गए, तो मेरे को आई एम नॉट अलाउड टू शेयर डिटेल्स रिगार्डिंग उस प्रोजेक्ट, वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ भी बात चल रही है जो कि नॉन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ हैं और जिनका बॉडी ऑफ वर्क लोग पहले से जानते हैं, उनके साथ भी बात चल रही है। लेट्स सी, मुझे जब भी कोई फिल्म मेकर अप्रोच करता है तो एक्चुअली कोई अप्रोच अभी कर रहे हैं थोड़े बहुत, जो पहले करते थे, पहले कोई नहीं करता था, हम ही सबके पास जाते हैं, अभी भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे पास यही है कि सर आप ऑडिशन ले लीजिए, बाकी देखते हैं। मैं ही नहीं बिलीव करता पहले जो भी किया उसके बेस पे हम आधार पे आगे करें, बिकॉज इट्स एक कम्प्लीटली अलग स्क्रिप्ट है, आपको उसमें रहना पड़ेगा, आपने पहले जो किया उसमें नहीं रह सकते। आई बिलीव आपको कम्प्लीटली ब्लैंक स्लेट बन के उस स्क्रिप्ट में घुसना पड़ेगा, उस प्रोसेस में घुसना पड़ेगा। कोई भी बैगेज अगर मैं सर में लेके जाऊँगा तो अगर ग्लास पहले से भरा हुआ तो आप उसमें क्या डालोगे, तो जेन्युइनली खाली करके जाना चाहता हूँ। तो मैं आगे भी लाइफ में चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनूँ, और उसके बाद भी मैं अगर आगे भी मुझे कोई अप्रोच करते हैं, मैं कभी पिछला जो काम किया उसका बैगेज लेके नहीं जाना चाहता, ये जेन्युइनली मेरा थॉट है। बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत आप पता है मैं काफी मूवीज देखता हूँ, फिर मुझे नाम भी याद नहीं रहते, पर वो इमोशन याद रह जाता है, मैं ऐसा वो इमोशन याद रह जाता है। कल ही मैंने कोई मूवी देखी, उसका नाम शायद मैं भूल गया हूँ, पर वो इमोशन मेरे अंदर है चल रहा। तो ऐसी कोई मैं एक नाम नहीं ले सकता, बट हाँ एक रॉकी एक मूवी है जो सिल्वेस्टर स्टॉन की थी फर्स्ट पार्ट, वो काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट किए, सिर्फ मेरे साथ नहीं, और सिर्फ इट्स सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में नहीं, वो किसी भी फील्ड में आप हो, वो स्ट्रगल्स जो उस कैरेक्टर के थे इतने ऑनेस्ट थे, वो छोटे छोटे स्ट्रगल्स जो सुबह को उठना, कैसे भागने जाना है, जो वो किस फाइनेंशियल स्थिति में भी जी रहा है, और सब कुछ आई थिंक हर फील्ड में लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। वो वन ऑफ द फिल्म है, मैं सारी फिल्में जब देखता हूँ मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ और खुल के रोता हूँ। सो या वो उसी इसीलिए मुझे सिनेमा इतना पसंद है। अभी एक दौर ऐसा चल रहा है कि हम मूवी जब बनाते हैं तो 100 करोड़ का एक बार टारगेट एक होता है, वो कुछ बनेगा, एज अ राइटर आप पे कितना प्रेशर, मतलब वो एक फीलिंग होती है, मेरे पे अभी ऐसा कोई प्रेशर है नहीं बिकॉज कम्प्लीटली न्यू कमर्स हैं हम लोग, और अभी इंडस्ट्री में अच्छे तरह से घुसे भी नहीं हैं, तो इसलिए फिलहाल ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जिन पे होता है आई थिंक वो लोग दे आर द बेस्ट पीपल टू कमेंट ऑन इट, कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे जब तब इस पे कमेंट करेंगे। फंसते फंसाते मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये मूवी देख के निकले, एक स्माइल के साथ निकले, तो प्लीज़ इस मूवी को अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देखिए। टिकट्स आपको थिएटर्स या बुक माई शो, पेटीएम, जस्ट डायल किसी भी ऐप पे मिल जाएंगे। देखिए एक अलग फ्लेवर है इस मूवी का, मैं चाहता हूँ कि ट्रेलर देखिए, पोस्टर देखिए, उससे अगर आपको कुछ समझ में, आपको इंटरेस्टिंग लगे मूवी, गाने भी हैं तीनों अवेलेबल इस मूवी के वीनस के मीडिया चैनल पर। तो अगर आपको मूवी समझ में आती है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है इसका फ्लेवर हमें देखना चाहिए, तो आप देखिए, आई कैन गारंटी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे जब आप बाहर निकलेंगे एक स्माइल के साथ। एक न्यूज़ कमर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ अभी, तो आप अभी के साथ में ऐसी कौन सी न्यू कमर है जिनको आप अप्रिशिएट करते हो या फिर एक नहीं जितने भी आ रहे हैं ना, सब में सबका अपना अलग आइडेंटिटी है, सबकी अपनी अलग फोटो है, सब में से मैं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। प्लस पर जो फिल्म्स भी जो आजकल आ रही है मोर कंटेंट ड्रिवन, ऑडियंस को भी कंटेंट चाहिए, एंड ऑडियंस भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, तो फिल्म मेकर्स भी उसी टाइप का सिनेमा बना है। सो सबसे कुछ ना कुछ मेरे को मिल रहा है, एंड एवरी वन इज़ अमेजिंग। थैंक यू।
कोई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस मतलब जिनका आप नाम लेना चाहोगे इन व्यू कवर एक्टर? आई वुड से एनीवन्स नेम बिकॉज एक का नाम रहना जायज जाया सही नहीं रहेगा बिकॉज जितने भी आ रहे हैं बहुत अच्छा काम करो, बहुत अच्छी मूवीज चुन रहे हैं. सो मैं चाहूँगा तो सबका ही नाम लेना चाहूँगा. एक्चुअली डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, जेन्युइनली आई फील दैट काश मेरे अंदर ये थॉट हो सकता कि मैं एक बेस्ट टेक कर पाता. नहीं, बट सब में से मुझे इतना कुछ खुद सीखने को मिल रहा है. लेट्स होप कि मेरा नाम भी लोग लें आगे जाके. फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू.